गड्डी कह दिया एक लिया गड्डी देखी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है उस्ताद जी? तबीयत ठीक है? ढिले ढिले हो? नहीं फर्स्ट क्लास। दाढ़ी थोड़ी चिट्टी हो गई? दाढ़ी चिट्टी हमण दे। आ तेरा बड़ा है तो देख लो दाढ़ी जी चिट्टी को नहीं है। एक कद एक आई। नहीं अजय फर्स्ट क्लास लगा बंदा चेक नहीं कर रहा है। हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी विवर्त की हाल ने तुहाडे उम्मीद करना खैरियत नाल होसो तो अल्लाह दे फजल करम और शुक्र दे नाल मैं भी खैरियत नाल हां। ते पिछले व्लॉग तुसीं काफ़ी सपोर्ट कीती ते अज दा मज़ेदार व्लॉग कर रहे हैं जी आप शुरू। शाम दा टाइम है सूरज बिल्कुल थले डल्या खड़ा है ते आ तुसीं वेख लो आ अजे तक साडा तोरिया खड़ा होया क्योंकि लेट आ लोकां दे तोरिए जिहड़े आ ओह मौके गड़ा इदां भी तोरिया हा लेकिन ओह विचों आ वेख हुण पग गई सरों पग गई है ते इदां हुण सानूं कोई मशवरा इक बंदे दित्ता तुसीं पका लो लेकिन साडे कोल पट्ठे वास्ते जिहड़ा है ना मझी वास्ते पट्ठे कोई नहीं उहदी वजह तों जड़ा ना तोरिया मज्जी वास्ते बढ़ना लेकिन अगर इन पका लवीए ना एक का बड़ा जड़ा ना मुनाफा दे लेकिन मज्जी भी कोई शायद खुआनी होती। विवर मौसम बादल नज़र आ रहे हैं काफ़ी फर्स्ट क्लास मौसम हो गर्मी आई दूए तेरे त्रीए दिन की गर्मी काफ़ी पै रही है लेकिन जो तो मौसम ठीक होया ना एक तो मच्छर रात को बड़ा होंगे टीं टीं लाई रखता कान देते वेखो ना कैसा नज़ारा है आ सूरज लाँदा भी डलदी शाम है ठीक है इतने हम आप अगर थंबनेल बनाइए तो बड़ा जबरदस्त थंबनेल बन सी तो विवर जड़ा ना ये हूँ उधर मकई लग रही साड़ी तो हम ट्रैक्टर उधर गया खाली कढ़ने वास्ते तो आप भी चलें तुम्हें विखाने नाल नाल मक्की एक पिछला ब्लॉग भी तुम्हें विखाया सी मक्की लगती पी थी काफ़ी जड़ा ना फर्स्ट क्लास है लेकिन उदू हूँ मक्की लग गई तो हूँ आप चलें इधे इधर मक्की ला लगती पी तुम चल विखाने हैं तुम नाल ना रही हो तो सबसक्राइब ठोकते रह करो काफ़ी खुशी होती थोड़े जब सबसक्राइब कहते यार विवर जो जरा यूट्यूब चैनल तो रश पाँगा ना यकीन करो इं दिल करता बंदा यूट्यूब दे बेस्त सट्टी रखे तो जो फिर मैं दो तीन कापीराइट वीडियो डिलीट की तो उनकी वजह मेरा अकाउंट थले आ गया लेकिन जो उतना गया बड़ी खुशी हुई है यकदम एक वीडियो तो 10-7-8 हज़ार इंप्रैशन वग गया उदो बड़ी खुशी हुई है विवर तो हम सूरज बिल्कुल असलू थले हो रहा है तो आप उस पाले उधर चलने उधर मक्की लग रही ट्रैक्टर लग गया है तो उधर आप चलने विवर तो माहौल भी खावे विवर वेखो कंडे आ गए है कंडे इन कंडे का तो पता ही होना है कि चीज़ मैं तुम्हें पाठ तो विखाना नहीं चेक करो विवर जो सर्दियाँ जाएँ ना उदो ये निकलते हैं मतलब बोलते तो प्याले लेकिन उदो ज़्यादा निकलते हैं ठीक है तो इन तो यकीन करो पैर रखो चाना तो अ लगता है भी जिमें सूई खोव गई है तो विवर तो खाली कड्डू है तो आप चलते हैं तुम्हें अज जो व्यू दिखाने सारा तो विवर जो मक्की लगती है ना तो जो मतलब ये जो मौसम हो मक्की लगती पे काफ़ी जड़ा ना बंदा मौसम काफ़ी खुशगवार है तो इधर विवर देखो ए हम अस लाए हुए मसल मसला गंद बड़ा होया खड़ा है वेख लो आ टोटल अस मसल लाए आ चेक करो ए हम मसल लगे खड़ा लेकिन गंद बिच काफ़ी ज़्यादा होया खड़ा ए तुसी देख सकते हैं एक दिन तेम जगह बची पई है तो अस मसल फूक दिते ए चेक कर लो आ चेक करो आ इधर बस इधर हैं ग्रेट लगे खड़े आलूआं दे क्योंकि आलू जड़े हैं वो बी साढ़े को जड़ा ना मुक गया मतलब पुराना हो गया बी उन वजह ना असा जड़ा ना नवे बी लाया है तो इतने भी कोई जमया खड़ा है लेकिन इधर जगह बचती है इधर असर वसल ला दिते इधर आलू हैं इधर वसल हैं तो इतकी जो स्प्रे किया असर बड़ा डर डर तो किया भी आलूआं किया जाते यह ना जड़ा ना सड़ जाए ना वसल ही सड़ जाए आ भी चेक कर लो इधर आलू हैं इधर ना वसल हैं एक दवाड़ा क्योंकि आलूआं का बी साढ़े को थोड़ गया इधर फिर असा जरा वसल ला दिते वीवर तुम्हें कैसा लग्या भी जड़ा ना नाल वसल लगे लाने चाहिए वसल वैसे कुछ महंगे भी होते आ मैं लाया आ वेख लो आ एक जगह तो तीन तीन चार चार लगे खड़े वे गंद होया खड़ा लेकिन आ चेक कर लो आ चेक करो आ मैं लाया तो पता ही कि पनीरी आई साढ़े को निरी तो पनीरी वो मुकती नहीं पई आई अस कभी लाए नहीं आ जड़े आ जड़े अगू आते नवा दुत्तू ए खुबाने पौधे ये अगू पटीक है छलड़िया पटीक है नवा दिया तो विवर जरा ना वो पनीरी इतनी असी लैके आ गए मैं आख्या वितों ओ बाकी सारे आखन भी लाओ 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 वो असी आप ही लाए लेबर को लुआए मैं ओ तीन तीन चार चार हथी गुटियां आईया मेरे को मैं तीन तीन चार चार मल्ले शुरू कर दी गंदा मुन काफ़ी देख लो कद मेरे जितना हो गया
तो सीटा हम पकने शुरू हो गए क्योंकि धुप होंगी है हूँ इन्हें पकना है गागा है वीवर ना इन्हें हम पकना शुरू हो जाना वीवर जरा हूँ ज तकरीबन एक महीने बाद इतने साढ़ा होंगे कमीर वाला मेला ममद बना उस तो बाद बंदे आके हाथ ला लेंगे इस कणक न ये हम देखो ना इतनी इतनी हो गई है इन हम उदू आ के ना हाथ ला लेना तो वीवर तो उदा मक्की लग रही है तो सामने जरा ना नज़र आ रही होना ट्रैक्टर सूरज हूँ बिल्कुल थले हो गया तो मक्की हूँ लग रही वीवर हूँ सरों से पकानी है जिंदा आप तेल लाने वीवर सू पता उस सरों का जरा आप कहने ना सरसों का तेल वीवर जरा आप सरसों का तेल कहने जिंदी इंडिया वाले मशहूरी भी आती है वीवर जिंदी इंडिया वाले मशहूरी आती है बाबा जी दिंदा मशहूरी सरसों का तेल ऐसा तेल वैसे तेल वीवर वो सरसों का तेल इंदे ना बनता ए सरसों है इन्हें जो बरीक बरीक दाने निकलते हैं मैं तो घर तक दिखाना क्योंकि हाथ मेरा एक है ये चेक कर लो ए बरीक बरीक दाने निकलते हैं ये काले हो जाते फिर वीवर ये फिर ना काले हो जाते वो मक्की लग रही है जमीन बड़ी पई है चेक कर हम मक्की की जमीन क्लीयर हुई पी प्लाट जोड़ा ना ये तकरीबन सत्तर अठ किलों का है तो यह हम बनया पी है बीह वाला बेली आओ खड़ा हो इधर बेली खाली वाला गया खड़ा आप भी चलने मगरे मगरे तो अगर हम मैं इं मुड़ा तो मैं लगता भी मैं खो बजा साइड वेख लो हाँ मैं खो बजाना मैं पता लग रहा है आओ बिच पानी बिच खाली तो वह मैं तुम्हें भी खा सा फिर तो हूँ की बनया इतों चलीए फिर ए जगह वेखे आ पैर खोब गए अस्सलाम वालेकुम की हाल है उस्ताद जी तबीयत ठीक है ढिले ढिले हो नहीं फर्स्ट क्लास दाढ़ी थोड़ी चिट्टी हो गई दाढ़ी चिट्टी हमण दे आ तेरा बड़ा है तो देख लो दाढ़ी जी चिट्टी को नहीं है एक कद भी काई नहीं अजे फर्स्ट क्लास लगा बंदा चेक नहीं कर रहा है वीवर दो जवान जरा ड्यूटी दे रहे ने मक्की लवा रहे हैं तो उस्ताद जी उन्हें तो ट्रैक्टर लैके आए खड़े हैं उस्तादा बेटा आ रहा है तो यह जरा ना इस खाली कड्डू उस्ताद जी खाली कड्डू ने नाल पोत्र नू लई बंदे ने दोवें जने आंदे ने उस्ताद उरां दा बेटा है जी तो यह तकरीबन प्यो पुत्र रलते ही आंदे ने इत्थे ट्रैक्टर से वीवर दे हुण जिहड़ा ना आ रहे दूसरे तीर आ रहे तीरां तों बाद बस इतने ही लाने ने सारे लाने ने क्यों वखरे वखरे प्लाट कर छड्डे ने वीवर ट्रैक्टर आ रही उन्हों तो गाना लगे हुआ तो मिलने एक ब्रेक तो बाद ए वीवर जरा सा ट्रैक्टर वो खड़ा हो सामने तो यह हूँ जरा सा ट्रैक्टर लिया खड़ा है खालिया वाला फाला फाइन की सद खाली कटन खाली कटने फाला ही सदन पता नहीं की सदन सानू नहीं पता है हाँ रेजर ही होंगे इनू तकरीबन रेजर सद नहीं बनू नहीं होंगे खालिया वाला रेजर होंगे या बनू खैर कोई चीज है तो ना बेच मतलब ये प्लाट है लम्मा तो प्लाट लम्मे की वजह ना ये खाली कड्डू पानी आस्ते मतलब पानी हाँ इक्के फेरे तो खाली निकल जाती तुम्हें मैं चल दिखाना सारी जरा नवी नवी चीज़ा वेखन लभदियाँ अगे मैं कौन नहीं वेख्या हो हूँ वेख लो ए नवा अस लिया जी ए सामा जासी ए चीज जी है ना ये खाली बना सी एद मिट्टी ला सी इवें ना हाँ चेक करो ये मतलब बड़ा अच्छा डिजाइन उन्हें क्डया इदू अदू जो डिस्क है ना ये इदो मिट्टी तवे ए जड़ा बिच खाला बनाता जासी ए चीज तो तवे जड़े ने इधर मिट्टी लाते जास वीवर जड़ा है ना नवी नवी चीज़ा आदि ने बड़ी खुशी होंगी क्योंकि बंदे का टाइम का ज्या कम होता है ठीक है तुम चीज़ देखी है मैंने तो बड़ी यकीन करो खुशी हुई है तो तुम्हें भी खुशी हो ही होनी है तो इंता मैं ना नहीं लै रही है इस चीज़ का नहीं ये तो पुरानी चीज़ है ए नवी चीज़ है
ਉਹ ਵੇਖੀ ਇਹ ਵੀਵਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਵੀਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਛੋਟਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੰਬਨੇਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਵਾਸਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵੀਵਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਲਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਲੌਗ ਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੀਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਕ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਰਫ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਬਾਨ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।